होटल स्टाइल चिकन मंचूरियन घर पर इजी एंड फास्ट। फाइव हंड्रेड ग्राम मैंने लिया है बोनलेस चिकन, वन टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और हाफ टी स्पून मैंने लिया है ब्लैक पेपर। नमक मैं हाफ टी स्पून डाल रही हूँ, अपने स्वाद के अनुसार से दो चुटकी कम ही डालिए क्योंकि इसमें सोया सॉस और आगे भी नमक डलने वाला है। 50 ग्राम मैंने लिया है कॉर्न स्टार्च, इस बार रेसिपी मैंने वीडियो में ही लिख दी है। दो अंडे मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। 30 मिनट्स के लिए मैंने इसे साइड में रख दिया। अगर आपके पास वक्त है आप 2 घंटे रखिए, बहुत अच्छा मैरिनेशन होगा, अच्छे से अंदर चिकन पक जाएगा, नरम हो जाएगा और कलर चेंज ना हो, इतना ध्यान रखिए। मीडियम फ्लेम पे इसे पकाइए, बहुत तेज़ फ्लेम पे इसे मत पकाइए वरना ऊपर से ये कच्चा अंदर ऊपर से लाल हो जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। लेकिन मैरिनेशन अगर काफ़ी वक्त के लिए लंबा करते हैं आप तो अच्छे से अंदर से गल जाएगा। मैंने लिया है 50 ग्राम लहसुन और 25 ग्राम अदरक और उसमें 5 मिर्चें डाली हैं, आप चाहें तो इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मिक्सर में इसे पेस्ट नहीं बनाया, बिना पानी के 30 सेकेंड्स के लिए आप चलाएंगे तो इतना अच्छा, ये ऑल पर्पस है। देखिए इस तरह का जो पेस्ट है यही डलता है चाइनीज़ में, तो चाइनीज़ एक्चुअली तो रेसिपी सेम होती है पर इसे बनाने के तरीके में जो बात है। देखिए मैंने प्याज तली नहीं है, प्याज अदरक लहसुन के ऊपर मैंने डाली है, प्याज को तलना नहीं है चाइनीज़ में, क्योंकि प्याज और जो शिमला मिर्च वगैरह होती है ये सब कच्ची ही इसमें हल्की कच्ची पक्की होती है। हम लोग घर पे ज़्यादा पका देते हैं तो वो होटल स्टाइल नहीं बनता है, तो ये मैं आपको होटल स्टाइल बता रही हूँ। मेरे पास चिकन स्टॉक रखा था, अगर आप कभी चिकन उबाल कर रखती हैं वो वाला पानी इस्तेमाल कर लीजिए या फिर आप नॉर्मल पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें चिकन का फ्लेवर तो आ ही जाएगा जब हम इसमें चिकन डालेंगे। हमेशा चाइनीज़ को हाई फ्लेम पर पकाइए। देखिए चिकन के पहले जो वेजिटेबल्स मैंने डाले हैं ये पूरे पके हुए नहीं हैं, एकदम मुलायम नहीं हुए हैं। मैंने इसमें 1 टीस्पून हरा वाला जो लाल मिर्च का पेस्ट आता है वो चाइनीज़ वाला इस्तेमाल कीजिए, हरा वाला। और वेनीगर भी मैंने 1 टीस्पून इस्तेमाल किया है, सोया सॉस मैंने 1/2 टीस्पून इस्तेमाल किया है। कॉर्न स्टार्च जब भी आप पानी में, मैंने 1 टीस्पून लिया है, डालते हैं उसके बाद तुरंत इसे मिक्स कीजिए जल्दी जल्दी। अगर आप इसे ज़रा सी भी रुक जाते हैं 10 सेकेंड के लिए 15 सेकेंड के लिए तो इसमें लम्ब्स आ जाएंगे। देखिए चाइनीज़ में हल्की सब्जियाँ कच्ची होती है तो शिमला मिर्च कभी मत तलिए। अगर आप ड्राई बना रहे हैं तल रहे हैं बात अलग है, लेकिन आप जब ग्रेवी बना रहे हैं तो आप इसे मत तलिए। अगले 2 मिनट में ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा जैसे ही आप इसमें चिकन डाल देंगे। हमेशा हाई फ्लेम पर पकाइए चाइनीज़, तलिएगा मत हाँ पीस को, ओनली ग्रेवी को हाई फ्लेम पे, सब्जियों को हाई फ्लेम पे पकाना है आपको। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के कीप बेकिंग।